नमस्कार साथियों, राम राम। मैं कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका इतिहास की आपकी इस क्लास में। साथियों, राजस्थान इतिहास हम पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास में मेवाड़ के गुहिल राजवंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश, जयपुर के कछवा वंश और स्टार्टिंग में चौहान राजवंश के बारे में हम जानकारी ले चुके थे। आज ये क्लास रहने वाली है बीकानेर के राठौड़ वंश से रिलेटेड। साथियों, बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि बीकानेर के राठौड़ वंश की शुरुआत राव बीका के द्वारा की गई थी और ये राव बीका जो है वो मारवाड़ के राव जोधा के ही एक बेटे थे। मारवाड़ के राव जोधा के पांचवें नंबर के बेटे राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की और बीकानेर में अपने एक नए राठौड़ वंश द्वितीय राठौड़ साम्राज्य की राजस्थान में शुरुआत की। साथियों, शुरुआत करते हैं बीकानेर का राठौड़ वंश, जिसे राजस्थान में द्वितीय राठौड़ वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये द्वितीय राठौड़ वंश जो है ये बीकानेर के राठौड़ वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो राव बीका से इस वंश की वंशावली प्रारंभ होती है। राव बीका ने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की, इसीलिए राव बीका को बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। प्रारंभ में रातीघाटी नामक स्थान पर, जहाँ आज वर्तमान में बीकानेर का किला स्थापित है, वहाँ पहले रातीघाटी के नाम से उस स्थान को जाना जाता था। तो उस जगह पर इन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत की और जिस स्थान पर ये रहा करते थे राव बीकाजी, उसे बीकाजी की टेकरी के नाम से जाना जाता था। तो बीकाजी की टेकरी जहाँ पहले ये रहा करते थे, अब उसके ऊपर बीकानेर शहर यहाँ बनाया गया 1488 में। साथियों, डेट याद रखना, ये समय याद रखना, 1488 बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना बीकाजी के द्वारा की गई और इन्हीं बीकाजी ने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की। अब तक कुछ शहरों की हम बात कर चुके हैं, जैसे अजमेर 1113 में अजमेर अजयपाल के द्वारा, अजयराज के द्वारा बसाया गया। उसके बाद जोधपुर, तो राव जोधा के द्वारा 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की गई। उसके बाद महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना 1559 में की गई। देन उसके बाद अगर बात करें तो 1488 में राव जोधा के बेटे राव बीका के द्वारा बीकानेर शहर की स्थापना की गई। इससे पहले इस स्थान को रातीघाटी के नाम से जाना जाता था और बीकानेर बीकाजी का जो निवास स्थान था उसे बीकाजी की टेकरी के नाम से जाना जाता था। साथियों, राव बीका के बाद राव बीका के जो पुत्र थे, नाम था उनका राव नरा, राव नरा अगले शासक बनते हैं। उनके बारे में इतिहास में जानकारियां कुछ कम मिलती हैं, इसलिए बीकानेर के जो अगले शासक हम पढ़ेंगे वो होंगे आपके राव लूणकरण जी। साथियों, राव लूणकरण जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रहनी चाहिए कि इन्हें कहा गया कलयुग का कर्ण, और कलयुग का कर्ण इन्हें कहने वाले व्यक्ति थे बीठू सूजा जी। इन बीठू सूजा जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था राव जेतसिरो छंद। तो राव जेतसिरो छंद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बीठू सूजा जी के द्वारा लिखा गया था, और इन्हें बीठू सूजा जी ने कलयुग का कर्ण कहा राव लूणकरण को। याद रहे, कलयुग का कर्ण लूणकरण है और राजपुताने का कर्ण राय सिंह है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कलयुग के कर्ण के नाम से मशहूर राव लूणकरण जी ने बीकानेर शहर में लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया और बीकानेर शहर में ही लूणकरणसर कस्बे का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। राव लूणकरण जी के बाद हम अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है साहब राव जेतसी। राव जेतसी के संबंध में जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है राव जेतसिरो छंद में, और राव जेतसिरो छंद जो लिखा गया था बीठू सूजा के द्वारा, वो राव जेतसिरो छंद में राव जेतसी जो बीकानेर के एक शासक थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। इनके समय की दो घटनाएं बड़ी मशहूर है। पहली घटना ये कि बाबर का जो बेटा था कामरान, हुमायूं का भाई कामरान, तो बाबर के मरने के बाद हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा अनुसार बाकी जो भाई थे उन सभी भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। अश्करी, कामरान, हिंदाल, ये बाबर के बेटे थे और हुमायूं के भाई थे। तो बाबर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे बाकी जो बच्चे हैं, तेरे जो भाई हैं, उनमें इस साम्राज्य का विभाजन कर देना। तो हुमायूं का एक भाई था, बाबर का बेटा था, नाम था उसका कामरान। कामरान राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए आता है और कामरान ने भटनेर पर अटैक किया और भटनेर पर कामरान का अधिकार हुआ
और बटनेर की रक्षा करते हुए बटनेर के किलेदार खेतसी कांगल वीर गति को प्राप्त हुए। बटनेर पर अधिकार करने के बाद 1534 में कामरान आता है बीकानेर की ओर और बीकानेर में बीकानेर की रक्षा करते हुए उनका मुकाबला होता है राव जेतसी से, और राव जेतसी ने इस कामरान को इस युद्ध में पराजित किया। तो राव जेतसी जिन्होंने बाबर के बेटे कामरान को पराजित किया और बीकानेर की स्वतंत्रता को स्थायी रखा, बीकानेर की स्वाधीनता को स्थायी रखा। तो राव जेतसी के समय बाबर के बेटे कामरान ने बीकानेर पर अटैक किया, बटनेर जीतने के बाद वो बीकानेर जीतने के लिए आया, लेकिन राव जेतसी ने इस अभियान को असफल किया। घटना थी 1534 की, और कामरान और राव जेतसी के बीच यहां जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई की, उस युद्ध की जानकारी मिलती है राव जेतसीरो छंद में, और राव जेतसीरो छंद लिखा गया था बीटू सूजा के द्वारा। साथियों, इनके समय की दूसरी घटना, जब मैंने मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया था, राव मालदेव का इतिहास पढ़ाया था, उस समय राव मालदेव ने 1541 में 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध लड़ा और उस युद्ध में राव जेतसी को पराजित करके राव मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद जब बीकानेर राव जेतसी के हाथ से निकल गया, तब राव जेतसी का बेटा राव कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है और शेरशाह सूरी के साथ गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ देता है राव कल्याणमल और बीकानेर मेड़ता का वीरमदेव। फिर शेरशाह सूरी जब राव मालदेव को गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित कर देता है, उसके बाद शेरशाह सूरी बीकानेर कल्याणमल को सौंप देता है और वीरमदेव को मेड़ता सौंप देता है, और फिर बाद में शेरशाह सूरी अगले साल मर भी जाता है। तो ये सारी जानकारियां हम जोधपुर वाले इतिहास में ले चुके हैं। तो राव जेतसी के समय की मेन घटना पाहेबा का युद्ध है। इस युद्ध में राव मालदेव की विजय हुई थी, राव जेतसी इस युद्ध में पराजित हुए थे और राव जेतसी के हाथ से बीकानेर निकल गया था, इसलिए राव जेतसी का बेटा कल्याणमल जो है वो शेरशाह सूरी की शरण में चला जाएगा। उसके बाद इतिहास में अगले शासक के रूप में हम देखेंगे राव कल्याणमल जी को। साथियों, बीकानेर हाथ से निकलने के बाद कल्याणमल जी जो हैं, बीकानेर हाथ से निकलने के बाद कल्याणमल जी शरण में चले जाते हैं शेरशाह सूरी की में, और शेरशाह सूरी की शरण में जाने के बाद मालदेव के खिलाफ उकसाते हैं, और मालदेव के खिलाफ उकसाने के कारण ही गिरी सुमेल का युद्ध होता है। शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में अपनी सेना लेकर आता है, उस सेना में बीकानेर का राव कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव भी था। इस युद्ध को शेरशाह सूरी ने जीता, और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने के बाद बीकानेर का जो राज्य था, जिस पर मालदेव ने अधिकार किए हुए था, वो राज्य वापस दे दिया जाता है कल्याणमल जी को। तो गिरी सुमेल के युद्ध में इन्होंने शेरशाह सूरी का साथ दिया राव मालदेव के खिलाफ, और गिरी सुमेल की विजय के बाद शेरशाह सूरी ने बीकानेर वापस लौटा दिया राव कल्याणमल जी को। उसके बाद 1570 में अकबर के प्रसिद्ध नागौर दरबार का आयोजन हुआ, और इस नागौर दरबार के संदर्भ में आपको बता चुका हूं कि अकबर के नागौर दरबार का केवल एक ही उद्देश्य था कि राजस्थान के राजपूतों को इसके अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना, और उस दरबार में एक एक करके राजस्थान के कई राजपूत शासक पहुंचते हैं, जैसे सबसे पहले जैसलमेर का हर्राय बाटी अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, उसके बाद जैसलमेर का हर्राय बाटी के बाद अगला जो शासक पहुंचता है वहां अधीनता स्वीकार करने के लिए, वो पहुंचता है आपका बीकानेर के कल्याणमल जी। कल्याणमल जी नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं, और यहां 1570 में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने के बाद अपने दोनों बेटों को राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को मुगलों की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। बाद में कल्याणमल जी की जब मृत्यु होती है 1572 जब कल्याणमल जी की मृत्यु होती है 1574 में, तब जाके कल्याणमल जी के उत्तराधिकारी बनते हैं राय सिंह जी। तो कल्याणमल जी के बाद अगले जो शासक बनेंगे वो होंगे बीकानेर के राय सिंह जी, और राय सिंह जी को कहा जाता है राजपूताने का कर्ण, राय सिंह जी को कहा जाता है मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ। लेकिन राय सिंह जी के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कल्याणमल जी के दूसरे बेटे और राय सिंह के भाई, जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान में एक जाना पहचाना नाम, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जब मुगलों की शरण में गए
तो अकबर ने इन्हें सबसे पहले गागरोण की जागीर दी। गागरोण वही गागरोण जो झालावाड़ में है, वो जागीर अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी। उनके दरबार के एक महनीय कवि थे, विद्वान थे, साहित्यकार थे। इनके द्वारा डिंगल भाषा में कई ग्रंथों की रचना की गई और डिंगल भाषा में उनके ग्रंथों की महत्वता को देखते हुए, उनके ग्रंथों की विषय वस्तु, भाषा शैली, लेखन शैली के कारण श्री एल पी तेसी तोरी जो भारतीय भाषाओं के, राजस्थान की भाषाओं के बड़े जानकार थे, एल पी तेसी तोरी, उनके द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया साहब डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस कहा गया इन्हें एल पी तेसी तोरी के द्वारा। तो एल पी तेसी तोरी या एल पी तेसी तोरी, ये एक ही व्यक्ति है। एल पी तेसी तोरी के द्वारा इन पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा गया। साथियों, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध रचना जो सबसे प्रसिद्ध इनकी थी, वो थी वेली किशन रुक्मणी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के संदर्भ में, इनकी प्रेम कहानियों के संदर्भ में एक श्रृंगार रस पर, प्रेम रस पर, करुणा रस पर जो पुस्तक रचित की गई पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, उसका नाम था वेली किशन रुक्मणी। और इस वेली किशन रुक्मणी की भाषा शैली को, इसके महत्व को समझते हुए कवि दुर्सा आडा ने इसे पांचवा वेद और 19वां पुराण बताया है। साथियों, हमें याद है कि वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन यह ग्रंथ इतना दमदार है, इतना शानदार है, इसकी भाषा शैली, इसकी लेखन शैली इतनी खतरनाक है कि इसके महत्व को समझते हुए, इसके गुणों को भापते हुए दुर्सा आडा जी के द्वारा इस वेली किशन रुक्मणी को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा गया। तो याद रखना, प्रश्न आता है कि दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है, देन हमारा आंसर होगा वेली किशन रुक्मणी। और वेली किशन रुक्मणी लिखा गया था पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोस, और कहा किसने, तो एल पी तेसी के द्वारा कहा गया। उसके बाद कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, गंगा लहरी और दशम भागवतरा दुहा। तो कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, गंगा लहरी और दशम भागवतरा दुहा, ये भी पृथ्वीराज राठौड़ जी की रचनाएं हैं। डिंगल जो भाषा शैली है राजस्थान की, पिंगल और डिंगल, डिंगल पश्चिमी राजस्थान की भाषा शैली और पिंगल पूर्वी राजस्थान की भाषा शैली। तो राजस्थान की जो ये शैलियां हैं, इनमें डिंगल साहित्य में इनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के कारण इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है एल पी तेसी तोरी के द्वारा। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ जो थे अकबर के दरबार में थे, ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है जिन्होंने महाराणा प्रताप के द्वारा जो वो जाली खत अंग्रेज को, अकबर को भेजा गया था कि मैं महाराणा प्रताप तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूँ, इसके पीछे महाराणा प्रताप का जाहिर सी बात है ये उद्देश्य था कि वो कुछ समय के लिए अकबर के सैन्य अभियानों से फुर्सत चाहता था, और महाराणा प्रताप चाहते थे कि कुछ समय के लिए अकबर उसके सैन्य अभियान रोक दे, ताकि महाराणा प्रताप अपनी सेना को ढंग से वापस पुनर्गठित कर सके और नई रणनीतियां बना सके। अकबर उस पत्र को पढ़कर, जो जाली पत्र था, उस पत्र को पढ़कर बड़ा प्रसन्न हुआ और वीर पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया। पृथ्वीराज राठौड़ जो महाराणा प्रताप के डींगे हाँकते रहता था, अकबर को महाराणा प्रताप के किस्से सुनाया करता था, और उन किस्सों को सुनकर जिस अकबर के मन में झाड़ उठती थी, उस अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया और उसके सामने बड़े दमदार तरीके से अकबर ने कहा कि देख, ये महाराणा प्रताप का लेटर मेरे पास आ चुका है, और जिस महाराणा प्रताप के नाम पर तू अपनी मूंछों पे ताव देता है, जिसका नाम लेने से तेरे शरीर का अंग अंग रोमांचित होता है, वो महाराणा प्रताप भी अब घुटने टेक चुका है। इस बात का विश्वास नहीं हुआ पृथ्वीराज राठौड़ को, और पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर से अनुमति मांगी कि हुजूर, अगर आपकी एक बार अनुमति हो तो मैं महाराणा प्रताप से पूछूं कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी, क्या ये लेटर सही है, क्या ये लेटर गलत है, क्या मसला है, एक बार मैं पूछना चाहता हूं। तो पाथल और पीथल के नाम से जो पत्र व्यवहार हुआ था, वो पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें पाथल शब्द डिनोट किया गया महाराणा प्रताप के लिए और पीथल शब्द प्रयोग किया गया पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। तो पाथल और पीथल में, पाथल तो महाराणा प्रताप है और पीथल जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ है, डिंगल के हेरोस के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। 1574 में राव कल्याणमल जी की जब मृत्यु हुई, तो कल्याणमल जी के बाद अगले शासक बनते हैं बीकानेर के राय सिंह जी। तो आइए राय सिंह जी के इतिहास को हम पढ़ते हैं। राय सिंह जी बीकानेर के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में वो व्यक्ति हैं। राय सिंह जी राजस्थान के इतिहास में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने
आमेर के मान सिंह के बाद मुगलों के लिए अगर सबसे ज्यादा काम किया, मान सिंह के बाद अकबर का कोई सबसे ज्यादा वफादार सेनापति था, मान सिंह के बाद अकबर जिस पर सबसे ज्यादा यकीन किया करता था वो था बीकानेर का राय सिंह। अकबर का कृपा पात्र था, अकबर की ओर से मुगलों की ओर से काबुल कंधार से लेकर सुदूर पूर्व में बंगाल तक अपने विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध रहा अपने समय में, वो था बीकानेर का राय सिंह राव कल्याणमल का बेटा। 1570 में जब नागौर दरबार में कल्याणमल के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती है तब ये राय सिंह मुगल सेवा में नियुक्त होता है। उसके बाद राव चंद्रसेन के खिलाफ इसे भेजा जाता है राय सिंह को 1571 में, और राव चंद्रसेन भाद्रजुना छोड़कर चला जाता है शिवाना और भाद्रजुना पर अधिकार हो जाता है राय सिंह का। अगले साल 1572 में अकबर के द्वारा राय सिंह को जोधपुर का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1572 में अकबर ने किसे जोधपुर का गवर्नर या सूबेदार बनाया, तो आंसर होगा राय सिंह, या अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का गवर्नर कब बनाया, तो आंसर होगा 1572 में। उसके बाद 1574 में कल्याणमल जी की मृत्यु के बाद ये बीकानेर के शासक बनते हैं और 1574 से लेकर 1612 तक बीकानेर के शासक के रूप में ये शासन करते हैं। उससे पहले 1570 में इन्होंने मुगलों की अधीनता नागौर दरबार में एक्सेप्ट की थी, यहाँ से लेकर 1612 तक ये मुगलों के कृपा पात्र बने रहे। राय सिंह जी ने महाराजा की उपाधि धारण की थी और राय सिंह जी को मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया राजपूताने का कर्ण। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपूताने का कर्ण कहा गया। इनके दरबार में एक मंत्री रहा करते थे राय सिंह जी के, उनका नाम था जयसोम। जयसोम इनके मंत्री भी थे, एक विद्वान भी थे और इनके मित्र भी थे। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, पुस्तक का नाम था करमचंद वंशो कीर्तनम। यह करमचंद वंशो कीर्तनम में राय सिंह के लिए जयसोम के द्वारा जो शब्द प्रयोग किया गया वो था राजेंद्र, राजाओं का इंद्र, राजाओं में राजा। तो राय सिंह का एक नाम राजेंद्र भी मिलता है किस पुस्तक में, तो करमचंद वंशो कीर्तनम में इनका नाम राजेंद्र भी मिलता है। उसके बाद मुगलों के संरक्षण में इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। अकबर व्यक्तिगत रूप से इनका प्रशंसक था। मैंने बताया कि मान सिंह के बाद अकबर का सबसे विश्वास पात्र, सबसे वफादार, सबसे ऑनेस्ट अगर कोई सेनापति था तो वो था राय सिंह। इसीलिए इस राय सिंह को कहा जाता है मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ। साथियों याद रखना, यह प्रश्न आ जाए कि मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के लगभग 99.99% बच्चे आमेर का मान सिंह उसमें आंसर लिखेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा वफादार मानसिंह था, मानसिंह के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वफादार राय सिंह था। इसलिए राय सिंह को इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ भी कहा है। राय सिंह जी को मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी गई है और जैसे उनकी पुस्तक वह करमचंद वंशो कीर्तनम में इन्हें राजेंद्र की संज्ञा दी गई है। अकबर व्यक्तिगत रूप से इनका प्रशंसक था। अकबर की तरफ से कई अभियान इनके द्वारा किए गए। अकबर ने 4000 का मनसब इन्हें प्रदान किया और साथ ही राय की उपाधि भी इन्हें प्रदान की गई। जब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर अगले मुगल बादशाह बने, तो इन 4000 की मनसब में बढ़ोतरी की गई और इन्हें 5000 का मनसब दिया गया। तो 5000 का मनसब मुगल दरबार में राजकुमारों या परिवार के, शाही परिवार के सदस्यों को दिया जाता था। तो एक तरीके से अगर देखें तो 5000 का मनसब मुगल दरबार में प्राप्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि 1500 से ऊपर का जो मनसब है वो मुगलों के शाही परिवार के लोगों को दिया जाता था और बहुत ज़्यादा विश्वस्त जो लोग होते थे उन्हें इतना बड़ा मनसब दिया जाता था। तो मान सिंह को 7000 का मनसब दिया गया था जो सर्वोच्च था, इधर 5000 का मनसब जहांगीर के द्वारा राय सिंह जी को दिया गया। सबसे महान जो अहम भूमिका है, सबसे मेन भूमिका है राय सिंह की, वो अकबर के समय हुए विद्रोहों को दबाने में है।
अकबर के समय मिर्जाओं ने विद्रोह किए। मिर्जा बोले तो रॉयल फैमिली के राजाओं के परिवार के अलावा, राजा के बेटे वगैरह के अलावा, जो इनके चाचा ताऊ होते थे, जो इनके भाई भतीजे होते थे राजाओं के, मुगलों के, बादशाहों के, उन्हें मिर्जा कहा जाता था। तो वो जहां भी अपॉइंट किए जाते थे वहां पर विद्रोह कर देते थे और सम्राट के खिलाफ चैलेंज करते थे। तो ऐसा ही एक मिर्जा जिसका नाम था इब्राहिम मिर्जा, जो मुगल परिवार से संबंधित था, मिर्जाओं ने विद्रोह किया नागौर में। तो 1573 में जब राय सिंह राजा नहीं बना है, राय सिंह राजा बनेगा 1574 में, उसी समय नागौर में इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह किया अकबर के खिलाफ। अकबर ने राय सिंह जी को भेजा, राय सिंह जी जाओ देख के आओ मिर्जा क्या चाहता है। राय सिंह जी गए, एक और मिर्जा इब्राहिम की सेना, एक और राय सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना, युद्ध होता है कठोली में। नागौर से पहले एक गांव पड़ता है कठोली, उस कठोली में इस विद्रोह का दमन किया। तो इब्राहिम मिर्जा जिसने नागौर में विद्रोह किया था उसका कठोली में इन्होंने दमन किया। फिर इसके बाद नागौर को इब्राहिम मिर्जा के शासन से मुक्त किया और उसे मुगल साम्राज्य के अधीन किया। तो नागौर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद इब्राहिम मिर्जा जान बचाकर भाग जाता है गुजरात और गुजरात में विद्रोह कर देता है। उसके बाद वापस भेजा जाता है अकबर के द्वारा, राय सिंह जी जाओ और इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह को इस बार ढंग से दबा के आओ। तो फिर गुजरात में भी मिर्जा विद्रोह का दमन करके आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो राय सिंह जी के समय एक युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम था साहब दत्ताणी का युद्ध। इस दत्ताणी के युद्ध का जिक्र जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था और जब महाराणा प्रताप के शासनकाल की शुरुआत की थी तब भी मैंने दत्ताणी के युद्ध की बात की थी। आप सभी को यह जानकारी है कि महाराणा प्रताप का एक भाई जगमाल, जिसे महाराणा उदय सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उन जगमाल जी को हटाकर प्रताप राजगद्दी पर बैठते हैं। इसे राजमहल की क्रांति कहा जाता है और जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है। तो जब अकबर की शरण में जाता है तो अकबर इस जगमाल को जहाजपुर का परगना, जो भीलवाड़ा में जहाजपुर, ये जहाजपुर का परगना और आधा सिरोही राज्य दे देते हैं। आधा सिरोही राज्य इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो सिरोही है, इस सिरोही के आधे भूभाग पर तो सिरोही के जो पैतृक राजा हैं, नाम है उनका सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा का शासन रहता है और बाकी ये आधा है इस पर मुगलों का अधिकार रहता है और मुगल इस पर, अकबर इस पर जगमाल को अपना प्रशासक नियुक्त करता है। लेकिन एक युद्ध हुआ, दत्ताणी का युद्ध। इस दत्ताणी के युद्ध में जगमाल की हत्या हो जाती है और सुल्तान देवड़ा बाकी के सिरोही पर भी अपना अधिकार कर लेता है। इधर जब अकबर को इस बात की जानकारी मिलती है कि सुल्तान देवड़ा ने सिरोही को छीन लिया और जगमाल इस युद्ध में मारा गया, अकबर के द्वारा भेजा जाता है राय सिंह जी को। और राय सिंह जी इस दत्ताणी के युद्ध में इस सुल्तान देवड़ा को पराजित करके सिरोही पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो दत्ताणी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है राय सिंह जी की। उसके बाद मुगलों की तरफ से इन्होंने कई सैन्य अभियान किए। अगर उनको देखा जाए तो एक लंबी श्रृंखला में गुजरात, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, बंगाल, कश्मीर, थट्टा, यानी कि सुदूर उत्तर पूर्व में काबुल कंधार से लेकर बंगाल तक और दक्षिण में गुजरात तक, कई क्षेत्रों को जहां भी समस्या होती थी वहां अकबर को केवल दो आदमी याद आते थे, या तो मानसिंह या फिर राय सिंह। जिस प्रकार मुगलों के लिए मानसिंह ने मुगल साम्राज्य के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई, उसी प्रकार बीकानेर के राय सिंह ने भी अपने अंतिम सांस तक मुगलों की ओर से, मुगलों के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, कई विद्रोहों को दबाने के लिए अहम योगदान दिया। तो साथियों, ये गुजरात, काबुल, कंधार, बंगाल, कश्मीर, कई अभियान इनके द्वारा किए गए। तो दूसरी बात, राय सिंह जी केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, एक वीर सेनापति नहीं थे, राय सिंह जी जो थे साहित्य के भी रुचिकर थे, साहित्य में भी इनका इंटरेस्ट था और इनके द्वारा दो ग्रंथों की रचना की गई। एक का नाम था राय सिंह महोत्सव और दूसरे का नाम था बाल बोधिनी टीका। तो राय सिंह महोत्सव और बाल बोधिनी टीका की रचना भी राय सिंह जी के द्वारा की जाती है। ये केवल एक विद्वान नहीं थे, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे,
इनके मंत्री एक विद्वान थे जिनका नाम था जय सोम, और जय सोम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है करमचंद वंशो कीर्तनम। इस करमचंद वंशो कीर्तनम में जय सोम के द्वारा रायसिंह जी की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है कि अपने वंश का नाम बढ़ाने वाला, अपने कर्मों से वंश को उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति राय सिंह था, और इसी करमचंद वर्षों कीर्तनम में राय सिंह का नाम मिलता है साथियों राजेंद्र, राजाओं में इंद्र, राजाओं का राजा। तो ये राजेंद्र नाम जो राय सिंह का है वो इस करमचंद वंशो कीर्तनम में मिलता है। फिर इन्हीं जय सोम जी की देखरेख में राय सिंह जी के द्वारा बीकानेर में एक किले का निर्माण करवाया जाता है जिसे जूनागढ़ किले के नाम से आज जाना जाता है। तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी राय सिंह जी के द्वारा करवाया गया, राय सिंह जी के मंत्री जय सोम की देखरेख में। और इस जूनागढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि बाकी दुर्गों की दीवारों के कान होते हैं, बाकी दुर्गों की जो दीवारें हैं वो केवल सुनती है, बीकानेर के किले की जो दीवारें हैं वो बोलती भी है। तो ये इसके बारे में सुनने को इतिहास में मिलता है। राय सिंह जी राजनीतिक कैरियर जो मुगलों के समय स्टार्ट किया, इन राय सिंह जी को राजपूताने का कर्ण कहा मुंशी देवी प्रसाद ने, इन्हें मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ कहा जाता है, इन्हें राजेंद्र कहा गया करमचंद वंशो कीर्तनम में। अकबर ने इन्हें राय की उपाधि दी, राय सिंह जी ने महाराजा की उपाधि धारण की, इन्हें 5000 का मनसब जहांगीर के समय दिया गया और कश्मीर, बंगाल, सिंध, थट्टा, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान कई जगह पर इन्होंने सैन्य अभियान किए, इवन गुजरात में सैन्य अभियान किए, और इन्होंने मुगल साम्राज्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो अकबर की नज़र में, अकबर के समय में, अकबर का मानसिंह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर कोई विश्वासपात्र व्यक्ति था तो वो था राय सिंह जी। राय सिंह जी के बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम है कर्ण सिंह जी। तो राय सिंह जी के बाद अगले शासक आते हैं हमारे कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह जी जिन्हें औरंगजेब के द्वारा उपाधि प्रदान की गई जांगलधर बादशाह की। साथियों याद रखना, बीकानेर के शासकों में सबसे ज्यादा बार प्रश्न इनकी उपाधियों और इनके उपनाम के ही पूछे जाते हैं, और अगर बीकानेर के इतिहास में आप अगर उपनाम याद करके भी चले जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, केवल इनके नाम वगैरह पर फोकस करना है। कर्ण सिंह जो है, कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। 1570 में नागौर दरबार में जब कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी तो बीकानेर के सभी शासक मुगलों के प्रति वफादार हो गए थे। मुगलों की ओर से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इनके समय अपनी सेवाएं दी और कई अभियान मुगलों की ओर से किए। ऐसा ही एक अभियान औरंगजेब के समय पंजाब में अटक नामक स्थान पर हुआ और उस अभियान को लीड किया कर्ण सिंह जी ने। औरंगजेब ने अटक अभियान के लिए कर्ण सिंह जी को भेजा, कर्ण सिंह जी ने वहां मुगलों का झंडा लहराया, कर्ण सिंह जी ने वहां मुगलों का परचम लहराया, वहां विजय प्राप्त की, इसलिए औरंगजेब ने खुश होकर इन्हें उपाधि प्रदान की जांगलधर बादशाह। जांगल प्रदेश, बीकानेर, उत्तरी जोधपुर, जयपुर, ये वाला क्षेत्र जो है वो जांगल प्रदेश कहलाता था। यहां का बादशाह जांगलधर बादशाह तो वो है कर्ण सिंह, औरंगजेब के द्वारा ही उपाधि प्रदान की गई। इन्हीं के समय एक इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया जो राजस्थान के इतिहास में है, वो है मतीरे की राड। 1644 में मतीरे की राड, एक मतीरे के लिए लड़ाई हुई, दो किसानों के बीच एक मतीरे को लेकर लड़ाई हुई। एक कहता है कि ये जो बेल है इस तरबूज की, मतीरे की, ये मेरे खेत से निकल रही है। दूसरा कह रहा है कि बेल तेरे खेत से निकल रही है, कोई बात नहीं है, तरबूज मेरे खेत में हुआ है। इसलिए नागौर और बीकानेर की सीमा पर ये जो दोनों गांव थे यहाँ से ये लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई पहले किसानों में होती है, फिर उनके परिवारों में होती है, फिर उनके गाँव में होती है, ग्राम पंचायतों में होती है, और आखिरी में ये लड़ाई यहाँ के राजाओं तक पहुँच जाती है। लड़ाई मतीरे की थी लेकिन लड़ाई ये स्वाभिमान की थी। अपने आत्मसम्मान को नीचा न दिखाने के लिए बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ के बीच ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में नागौर का पलड़ा भारी रहा। तो अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ के गत सिंह जी के बेटे हैं। मैंने आपको बताया था मारवाड़ के गत सिंह जी के दो बेटे थे, एक अमर सिंह राठौड़ जो नागौर में अपनी शुरुआत करते हैं अपने शासन की, दूसरा महाराजा जसवंत सिंह जी जो गत सिंह जी के बाद अगले शासक बनते हैं।
ये वही अमर सिंह राठौड़ है, कटार का धनी जिसे कहा जाता है, बादल जिनके घोड़े का नाम था, ये वही अमर सिंह जी हैं जिन्होंने शाहजहाँ के बड़े दरबार में शाहजहाँ के साले सलावत खां का मर्डर कर दिया था और अपने घोड़े को लेकर आगरा किले के नीचे कूद गए थे। अमर सिंह जी कटार के धनी हैं साहब। अमर सिंह जी इस युद्ध में विजय रहे, मतेरे की राड़ इनके समय लड़ी गई। राय सिंह जी के बाद जो कर्ण सिंह जी शासक बने थे, कर्ण सिंह जी साहित्य के प्रति भी इनकी गहरी रुचि थी और अपने दरबार में कई साहित्यकारों को ये शरण देते थे और उन साहित्यकारों के साथ मिलकर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था साहित्य कल्पद्रुम। तो साहित्य कल्पद्रुम की रचना कर्ण सिंह जी के द्वारा की गई। ये खुद एक विद्वान थे, एक साहित्यकार थे, साहित्य के प्रति अपनी गहरी रुचि रखते थे, इसीलिए इनके दरबार में एक विद्वान हुआ और विद्वान का नाम था गंगाधर मैथिली। गंगाधर मैथिली के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था काव्य डाकिनी। तो काव्य डाकिनी की रचना इनके समय हुई और काव्य डाकिनी के रचनाकार थे गंगाधर मैथिली, जो किसके दरबारी विद्वान थे, कर्ण सिंह जी के दरबारी विद्वान थे। तो कर्ण सिंह जी को दो चीजों के लिए याद रखना है, एक मतिरे की राड 1644 में अमर सिंह राठौड़ और इन कर्ण सिंह जी के बीच हुई, दूसरा इन्हें याद रखना है इनकी उपाधि जांगलदर बादशाह के नाम पर। जांगलदर बादशाह की उपाधि इन्हें दी थी औरंगजेब के द्वारा दी गई थी और इनके अटक अभियान की वजह से इन्हें दी गई थी। कर्ण सिंह जी के बाद बीकानेर के अगले शासक बनते हैं अनूप सिंह जी। तो कर्ण सिंह जी के बाद हम पढ़ेंगे अनूप सिंह जी का इतिहास। अनूप सिंह जी जो साहित्य के प्रति, धर्म के प्रति, कला के प्रति, चित्रकला के प्रति अपनी गहरी रुचि रखते थे, वो अनूप सिंह जी हमारे सामने हैं। अनूप सिंह जी को औरंगजेब के द्वारा एक उपाधि दी गई थी जो थी माही मरातिब की उपाधि। औरंगजेब के समय एक नया सम्मान शुरू किया गया था माही मरातिब का उपहार, और पहली बार माही मरातिब की जो उपाधियां औरंगजेब के द्वारा बांटी गई थी उनमें एक व्यक्ति था, नाम था अनूप सिंह। बीकानेर के अनूप सिंह जी के प्रशंसक थे, व्यक्तिगत रूप से इनके फैन थे औरंगजेब, और मुगल बादशाह औरंगजेब ने ही इन्हें माही मरातिब की उपाधि दी थी। तो माही मरातिब की उपाधि औरंगजेब ने किसे दी थी, अनूप सिंह जी को दी थी। उसके बाद बीकानेर चित्र शैली का जो काल है स्वर्ण काल कहलाता है अनूप सिंह जी का काल। साथियों मैंने बताया कि बीकानेर के जो शासक थे वो साहित्य के प्रति, कला के प्रति अपनी गहरी रुचि रखते थे। अनूप सिंह जी का ही काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, यह भी प्रश्न के रूप में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर देखें तो दुर्लभ ग्रंथों को एकत्रित करने का, उन ग्रंथों को संरक्षित करने का, उन्हें संग्रहित करने का, नए नए ग्रंथ पढ़ने का, नए नए ग्रंथ लिखने का अनूप सिंह जी को बड़ा शौक था। कहीं अभियान पर जाते थे तो वहां से ग्रंथ ले आते थे, कहीं इनके दूर दराज से कोई मित्र मिलने आता था तो गिफ्ट में इन्हें ग्रंथ दे जाता था। तो साहित्य के बड़े प्रशंसक थे। अनूप संग्रहालय इन्होंने बनवाया बीकानेर में, और ये वो अनूप संग्रहालय है जिसमें राजस्थान के दुर्लभ ग्रंथों को संजो कर रखा गया है। तो साहित्य के प्रति गहरी रुचि थी और साहित्य के उन ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए इन्होंने अनूप संग्रहालय का निर्माण बीकानेर में करवाया। इस अनूप संग्रहालय में अनूप सिंह जी के द्वारा राणा कुंभा, जो मेवाड़ के एक विद्यानुरागी शासक थे, उन राणा कुंभा के द्वारा जो संगीत ग्रंथ लिखे गए, संगीत राग, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, रसिक प्रिया, ये कई ग्रंथ जो राणा सांगा के, राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे, उन ग्रंथों का भी संग्रह अनूप सिंह जी के द्वारा किया गया। जब ये दक्षिण अभियान पर गए थे सूबेदारी के दौरान, तो दक्षिण में कई मूर्तियां इन्हें पसंद आई, उन मूर्तियों को ये उत्तर भारत अपने बीकानेर लेकर आए, और बीकानेर में दक्षिण भारत से लाई हुई उन मूर्तियों को 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाया। तो ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि है। साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें तो गीता का पहली बार राजस्थानी भाषा में अनुवाद अनूप सिंह जी के समय हुआ था, और ये अनुवाद करने वाला व्यक्ति था, ये विद्वान था आनंद राम। तो अनूप सिंह जी के समय पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ, और ये अनुवादक कौन थे, ये थे आनंद राम जी। कुछ ग्रंथ अनूप सिंह जी के द्वारा लिखे गए, अनूप विवेक, अनूपोदय, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। तो अनूप विवेक, अनूपोदय, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये जो ग्रंथ हैं ये ग्रंथ लिखे गए थे
अनूप सिंह जी के द्वारा। अनूप सिंह जी के दरबार में कई विद्वान रहा करते थे, उनमें से एक विद्वान का नाम था भाव भट्ट, और भाव भट्ट ने अनूप सिंह जी और संगीत के प्रति इनके प्रेम को देखकर कई ग्रंथ लिखे, जैसे अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनूप अंकुश, कई ग्रंथ भाव भट्ट जी के द्वारा लिखे गए। तो ये जो ग्रंथ है, ये सारे ग्रंथ अनूप सिंह जी के द्वारा लिखे गए, और ये जो ग्रंथ हैं, ये अनूप सिंह जी के दरबारी विद्वान भाव भट्ट जी के द्वारा लिखे गए। अनूप सिंह जी के बाद अगले शासक के रूप में हम देखते हैं सूरत सिंह जी को। साथियों, सूरत सिंह जी के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई राजस्थान के इतिहास में, उन्हें हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सूरत सिंह जी के समय 1805 में सूरत सिंह जी ने अटैक किया बटनेर के किले पर, और बटनेर के किले को इन्होंने जीत लिया। बटनेर किले के आसपास जो गांव है, या जिसे बटनेर पहले कहा जाता था, आज उसे हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और हनुमानगढ़ नाम क्यों रखा गया, वो हम ये देखते हैं कि सूरत सिंह जी जो बीकानेर के राजा थे, 1805 में उन्होंने बटनेर पर अधिकार किया। और ये जो दिन था साथियों, ये मंगलवार का दिन था, और मंगलवार का दिन क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है, इसीलिए अब इसका नाम बदलकर सूरत सिंह जी ने कर दिया हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ मंगलवार के दिन सूरत सिंह जी ने जीता था, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ है। पहले इसका नाम हुआ करता था बटनेर, और मंगलवार के दिन जीता, इसीलिए इसे हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। 1818 में अंग्रेजों के साथ इनके द्वारा संधियां कर ली गई। फिर 1824 में एक घटना घटित हुई कि सूरत सिंह जी ने चूरू पर अटैक किया, और चूरू का शासक शिव सिंह जी, इन्होंने चूरू पर आक्रमण किया, और चूरू का शासक शिव सिंह लड़ते हुए एक समय ऐसा आया कि शिव सिंह जी हताश हुए। शिव सिंह जी ने जनता को कहा कि हमारी हार नज़दीक है, मुझे लग रहा है कि आज ये चूरू का किला बीकानेर के सूरत सिंह के हाथ लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारे पास जो असला बारूद है, हमारे पास जो गोले हैं, जो बारूद है, वो समाप्त होने वाला है। तब उस गांव की वीरांगनाओं ने, उस गांव की महिलाओं ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने घरों में जो चांदी पड़ी हुई थी, क्योंकि गोले बनाने के लिए अब गोले खत्म हो चुके थे बारूद, तो गोले बनाने के लिए चांदी लेकर आई। घर से महिलाएं अपने गहने लेकर आई, तो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ कि साहब चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, तो चांदी के गोले जिस किले से बरसाए गए थे वो था चूरू का किला, और शासक जिसने चांदी के गोले बरसाए वो था चूरू का शिव सिंह। क्यों बरसाए, क्योंकि 1824 में चूरू पर आक्रमण किया था बीकानेर के सूरत सिंह जी ने। तो साथियों, ये थे आपके सूरत सिंह जी। सूरत सिंह जी के बाद बीकानेर के जो अगले राजा बनते हैं, उनका नाम है रतन सिंह जी, और रतन सिंह जी अपने आप में समाज सुधारक है। महिला शिक्षा के लिए, महिलाओं को सम्मान के लिए, समाज में महिलाओं को स्थान देने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए। रतन सिंह जी के द्वारा 1836 में बिहार के गया नामक स्थान पर, जो बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अब उसे गया कहा जाता है, गया बिहार में राजपूतों का एक सम्मेलन बुलाया, और उस सम्मेलन में इन्होंने एक विषय रखा कन्या वध, कि राजपूतों में अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस वजह से राजपूतों में कन्या वध की परंपरा काफी लंबे समय से विद्यमान थी। तो उस कन्या वध को समाप्त करने की सौगंध यहां दिलाई गई, कन्या वध को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की कसम राजपूतों को दिलाई गई, शपथ राजपूतों को दिलाई गई रतन सिंह जी के द्वारा। तो 1836 में गया बिहार में रतन सिंह जी वो शासक थे जिन्होंने राजपूतों को कन्या वध नहीं करने की शपथ दिलाई। फिर रतन सिंह जी के समय अंग्रेजों के और सिखों के बीच में पंजाब पर अधिकार करने को लेकर युद्ध हुए। साथियों, अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने शुरुआत में बंगाल पर अधिकार किया, वहां बक्सर का युद्ध, प्लासी के युद्ध लड़े गए थे। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर, पूरे मराठवाड़ा पर अधिकार करने के लिए, मराठों की शक्ति के दमन के लिए आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे।
उधर हैदराबाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान को, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान को कंट्रोल करने के लिए, मैसूर में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े, अंग्रेजों ने बर्मा पर अधिकार करने के लिए आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े गए, आंग्ल नेपाल युद्ध लड़े गए, अंग्रेजों ने पंजाब वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने पंजाब के लोगों से, रणजीत सिंह के वंशजों से आंग्ल सिख युद्ध लड़े। ऐसा ही दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848, इसमें रतन सिंह जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, सिखों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर चुके थे बीकानेर के सूरत सिंह जी, तो इनके पूर्वज अंग्रेजों से संधि कर चुके हैं, ये मजबूर है अंग्रेजों का साथ देने के लिए, चाहे इनकी आत्मा अंदर से इन्हें रोकती हो, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री तरीके से अगर देखा जाए, ऑफिशियल तरीके से, तो ये अंग्रेजों के संधियों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, इसलिए अंग्रेजों का साथ देना इनकी मजबूरी थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में इन्होंने साथ दिया रतन सिंह जी ने अंग्रेजों का, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज जीत गए, सिख साम्राज्य का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया गया, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में सिख क्षेत्र पंजाब क्षेत्र को मिला लिया। रतन सिंह जी के बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम है सरदार सिंह जी। साथियों, सरदार सिंह जी के समय रतन सिंह जी के बाद जो अगले शासक बनते हैं बीकानेर के, उनका नाम है साहब सरदार सिंह जी। साथियों, सरदार सिंह के समय महत्वपूर्ण जो सबसे घटना घटित होती है वो है आपके 1857 की क्रांति। तो सरदार सिंह जी अगले शासक बनते हैं और सरदार सिंह जी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। और इस 1857 की क्रांति में राजस्थान के सभी राजपूत शासक, सभी राजा अंग्रेजों का साथ देते हैं। उसी प्रकार बीकानेर के सरदार सिंह जी के द्वारा भी अंग्रेजों का साथ दिया जाता है, और साथ इस हद तक दिया जाता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी सेना को बाडलू, जो पंजाब में है, पंजाब में अपनी सेना भेजी। साहब, तो ऐसा प्रश्न आए कि 1857 क्रांति के दौरान किस शासक ने या कहां के राजा ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर भेजा, तो आंसर होगा सरदार सिंह जी। इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए बाडलू पंजाब में अपनी सेना को भेजा था, इसीलिए अंग्रेजों ने इस बात से खुश होकर सरदार सिंह जी को टिब्बी परगने के, टिब्बी जो वर्तमान हनुमानगढ़ में है, इस टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। तो अंग्रेजों के समर्थक थे 1857 क्रांति के समय बीकानेर के शासक सरदार सिंह जी थे, उन्होंने अंग्रेजों की रक्षा के लिए राजस्थान से बाहर बाडलू पंजाब में अपनी सेना भेजी थी, अंग्रेजों ने इससे खुश होकर 41 गांव टिब्बी परगने के उपहार में दिए थे। इसके अलावा सरदार सिंह जी के द्वारा सती प्रथा और समाधि प्रथा, इन पर भी रोक लगाने के लिए कानून बनाए और बीकानेर रियासत में सती प्रथा और समाधि प्रथा को प्रतिबंधित किया। इसके बाद सरदार सिंह जी के बाद जो अगले शासक आएंगे वो होंगे आपके महाराजा गंगा सिंह जी। तो महाराजा गंगा सिंह जी जो हैं, महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 1927 में सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने के लिए, मारवाड़ में जल के अभाव को दूर करने के लिए और यहाँ के किसानों को एक नया जीवन देने के लिए, सतलज नदी का पानी लाने के लिए एक नहर का निर्माण करवाया, जिसे कहा जाता है गंग नहर। साथियों, राजस्थान की यह पहली नहर थी गंग नहर, और इस गंग नहर की शुरुआत, इसका निर्माण गंगा सिंह जी के समय 1922 से स्टार्ट हुआ था। 1922 में यह बनना शुरू हुई, 5 साल इसे बनने में लगे, 1927 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ।
और 1927 में जब इसका निर्माण पूर्ण हुआ तो खुद लॉर्ड इरविन, जो इस समय भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये लॉर्ड इरविन इस गंग नहर का उद्घाटन करने के लिए स्वयं आते हैं। इसीलिए इस गंग नहर के निर्माण की वजह से इन्हें कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह जी को, राजस्थान का भागीरथ। तो राजस्थान का भागीरथ के नाम से कौन प्रसिद्ध है या राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, देन आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह जी को। फिर महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा और क्या क्या काम किया गया ये हम देखते हैं कि इनके द्वारा बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया गया। तो बीकानेर में अपने पिता की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो वो थे महाराजा गंगा सिंह जी। इसके बाद आज हम देखते हैं कि देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है, रामदेवरा में जो रामदेव जी का मंदिर है, या गोगा मेड़ी में गोगा जी का जो मंदिर है गोगा मेड़ी, इन सभी को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाला व्यक्ति, याद रखना निर्माण इन्होंने नहीं करवाया, वर्तमान में ये जैसे दिखते हैं इन्हों वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाला व्यक्ति वो थे आपके महाराजा गंगा सिंह जी। बाकी अगर हम देखें तो अंग्रेजों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध रहे। 1922 का एक समय था जब अंग्रेजों के द्वारा अनावश्यक रूप से राजस्थान के राजपूतों या भारत की देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में, विदेशी मामलों में एक एक्सट्रीम लेवल तक इंटरफेयर किया जा रहा था। तो अंग्रेजों के देसी रियासतों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, इनको निर्धारित करने के लिए 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। नरेंद्र मंडल, राजाओं का मंडल, नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंस जिसे कहा जाता है, इसका उद्देश्य था कि देसी रियासतों के अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ क्या संबंध होने चाहिए, किस हद तक अंग्रेज देसी रियासतों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसके लिए नरेंद्र मंडल का गठन किया गया 1921 में, और इस नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता की महाराजा गंगा सिंह जी। तो नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष भी महाराजा गंगा सिंह जी बने, और 1921 से लेकर 1925 तक जो है ये नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के संवैधानिक सुधार के लिए, भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करने के लिए, उस आंदोलन की जो मांग थी, हमारा संविधान होना चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए, हमारा प्रशासन होना चाहिए, तो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा था, उस गुस्से को शांत करने के लिए, भारतीयों की प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन अंग्रेजों के द्वारा लंदन में किया गया 1930, 1931 और 1932 में। लगातार 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। उन गोलमेज सम्मेलनों में राजस्थान की देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराजा गंगा सिंह गए, धौलपुर के उदयभान सिंह गए और अलवर के जय सिंह जी गए। तो महाराजा गंगा सिंह वो व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। और जब ये लंदन जाते थे तो जब ये 6.5 फीट का ये नौजवान महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर रियासत का राजा, जब जोधपुरी कोट पेंट पहनकर, अपनी मूछों के ताव देकर, जब लंदन की उस गोलमेज सम्मेलन में, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठता था, तो वो सुटेड बुटेड अंग्रेज जो अपनी सभ्यता, अपने पहनावों पर बड़ा घमंड किया करते थे, वो पानी पानी हो जाते थे, बड़े सुंदर दिखते थे महाराजा गंगा सिंह जी। तो महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भी रहे। महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व किया, देसी रियासतों की ओर से प्रतिनिधित्व किया। ये महाराजा गंगा सिंह जी थे जिन्होंने एक सेना का निर्माण किया, ऊँटों की एक सेना बनाई, और उस सेना का नाम था साहब गंगा रिसाला। ऊँटों की सेना थी और इस गंगा रिसाला को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कई युद्धों में भेजा। जैसे एक युद्ध अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड और चीन के बीच हुआ, उसका नाम था बॉक्सर का युद्ध। देखो बक्सर का युद्ध नहीं है, बक्सर का युद्ध तो 1764 में हो गया, यह है बॉक्सर का युद्ध, लड़ा गया 1899 में।
इस बॉक्सर के युद्ध में महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों के समर्थन में, इंग्लैंड के समर्थन में अपनी सेना गंगा रिसाला, जो ऊँटों की सेना थी, इस गंगा रिसाला को भेजा। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1944 तक चला, इन तीनों युद्धों में और बाकी भी कई छोटे मोटे युद्धों में जहां अंग्रेजों को ज़रूरत पड़ती थी, वहां महाराजा गंगा सिंह जी को याद किया जाता था। तो महाराजा गंगा सिंह जी राजस्थान के भागीरथ हैं। गंग नहर का निर्माण इन्होंने करवाया, नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता इन्होंने की, और जब जरूरत पड़ी गोलमेज सम्मेलनों में तो भारत की देसी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में भी महाराजा गंगा सिंह जी गए। रामदेवरा, करणी माता मंदिर, गोगा मेड़ी, इन सभी को वर्तमान स्वरूप इन्होंने प्रदान किया, और बीकानेर के लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। गंगा रिसाला इन्होंने एक सेना बनाई। तो ये थे महाराजा गंगा सिंह जी। लास्ट शासक के रूप में हम देखते हैं शार्दुल सिंह जी को, और ये शार्दुल सिंह जी बीकानेर के अंतिम शासक थे। शार्दुल सिंह जी जिनके द्वारा एकीकरण में चौथे चरण के समय राजस्थान में अपने राज्य बीकानेर का विलय कर दिया। एकीकरण के पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह ने एकीकरण को स्वीकार किया और चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को जब जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाकी रियासतों ने अपना विलय राजस्थान में स्वीकार किया, तब महाराजा शार्दुल सिंह जी ने भी बीकानेर का विलय चौथे चरण में एकीकरण में कर दिया। दिन था 30 मार्च 1949 का। इस दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राजस्थान की चार बड़ी रियासतें स्वयं को राजस्थान में समाहित कर चुकी थी, इसीलिए 30 मार्च का जो दिन है इसे आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये था बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास, जिसकी शुरुआत की राव जोधा के पांचवें बेटे राव बीका के द्वारा। 1488 में बीकानेर शहर बसाया, फिर हमने देखा कि मुगलों के साथ इनके क्या संबंध रहे। कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण और राजपूताने का कर्ण राय सिंह जी, माही मरातीव, जांगलदर बादशाह, इन सारी उपाधियों को हमें याद रखना है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साहब।